Hello everyone, how are you? This is Anjani Kumar and I have come before you after a long period of time. But this time I have come with you with a composition section of English grammar. So as you can see on the board, there's something about message writing. How do we write a message? We will come to know in today's class. And at last, we will also come to know there are some tricks. So, waiting for what? Let's start this class. See, message. You can see here, a message is what? It is just like a receive call, phone call. One is calling to another person, but unfortunately, the another person is absent and somebody, other person who receives call for him, and then he writes the message for the person. See you. So suppose Mr. X has to make a call to Mr. Y. Okay, X has to make a call to Y, but unfortunately Y is absent. He is not in his house. So his friend Z receives the call. So, there is a conversation between X and Z about Y. And what Z will do? Z will pass this information in a written format to Y. This is all about your message writing. And I have promised you that at last you will have the trick to write down what the message. So, here I am going to start. Just have a look. Simply, मैंने बताना है कि message writing कैसे होती है. ये दो व्यक्तियों के बीच telephone. So, let's start how the message is going to be written. So, earlier we have talked about the trick by which we write the message. And the trick you can see on the right corner at the top of your board, and the trick is DTA. A is in the circle and then S, again B, B is in the circle and then S. देखो इस ट्रिक की मदद से हम लोग मैसेज को लिखना सीखेंगे. D डेट को स्टैंड कर रहा है, T का मीनिंग टाइम हो गया, और A स्टैंड्स फॉर एड्रेस. एड्रेस देखो सर्कल में, इसका मतलब एड्रेस के पहले एक लाइन छूटेगा और एड्रेस के बाद एक लाइन छूटेगा. उसके बाद एस है. एस स्टैंड्स फॉर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब जैसे आप कोई भी राइटिंग लिखते हो, आप सैल्यूट करते हो, डियर, ओके, इन दिस वे. एंड देन बी, बी यू आर वॉचिंग इन द सर्कल. बी स्टैंड्स फॉर बॉडी. एंड एट लास्ट एस इज देयर. और बॉडी के पहले एक लाइन छोड़ना है हमें, और बॉडी के बाद एक लाइन छोड़ना है. ध्यान देना है कि सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन के बाद हमें कॉमा का यूज़ नहीं करना है. आप मार्क्स खो दोगे अगर आप कॉमा यूज़ करते हो. अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग. 10th September 2021, दिस इज़ डेट. जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को टाइम मेंशन करना है, एंड टाइम इज़ 5 PM. और जस्ट उसके बाद एक लाइन का गैप होगा. सैल्यूटेशन है हमारा, सॉरी एड्रेस है हमारा. एड्रेस में आप देख रहे हो लिखा हुआ है, ओके, शांति अपार्टमेंट 29B पटना सिटी. उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे. आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, या फिर कोई जो क्वेश्चन में एड्रेस डिमांड कर रहा है वो डालना है. उसके बाद एक लाइन फिर से हमें छोड़ना है. उसके बाद आपका सैल्यूटेशन शुरू होता है. डियर वाई, या डियर वाई उस व्यक्ति के लिए है जिसने फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया, और उसके बदले जेड को कॉल रिसीव करना पड़ा और उसने मैसेज लिखा. डियर वाई. मिस्टर एक्स, देखो मिस्टर एक्स यहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसके लिए जिसने कॉल किया. मिस्टर एक्स हैज़ कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अ मीटिंग ऑन कमिंग संडे एट 10 AM इन पटना. ओके, एंड देन एट लास्ट एक लाइन फिर से गैप छोड़ना है. उसके बाद हमें लिखना है
सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग थिंग्स, क्लोजिंग लाइंस, क्लोजिंग पैराग्राफ्स लिखना है, योर्स सिंसियरली, और अंत में उसका नाम आएगा जो मैसेज लिख रहा है, यानी योर्स सिंसियरली जेड। कुछ बातें ध्यान देने वाली, अब जब आप डेट मेंशन करते हो, देखो डेट यहाँ पे 10th September, उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपने अंडरलाइन नहीं करना है। वो अंडरलाइन इसलिए किया है कि आपको दिखा सकूँ कि मंथ के नाम के बाद आपको कॉमा यूज़ करना ही करना है, ठीक है, गुड। और देखो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन डियर बाय, उसके बाद मैंने कोई कॉमा यूज़ नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली, उसके बाद भी कोई कॉमा यूज़ नहीं करना है। अगर आप इस ढंग से मैसेज लिखते हैं, आई एम वेरी मच श्योर आपकी मार्क्स नहीं कटेंगे। एक बात ध्यान देना है, जो इनक्लोजर होगा हमारा वो रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।